उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल लिटिल। क्यों साहब, ये ईमान हराम कैसे हो गया, ये बेईमानी कहां से आई? ये जो जयसन का पप्पा है, जानते हैं उसका नाम, नाम पता है ना? हाँ, ये जयसा का जो पप्पा है, इसका बुद्धि तब क्या हो गया था जब छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो है 60 से ज्यादा सीट है, इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब हिमाचल में हमने सरकार बना ली, इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब राजस्थान में हमने सरकार बचा ली? सरकार कहां ये तोड़ ले रहे हैं और सरकार कहां ये नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको तो आप समझते हैं ना। प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, इसीलिए मन की बात नहीं करूंगा, आपके हमारे दिल की बात करूंगा। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। अभी भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तकरीर सुनेंगे, उनका भाषण सुनेंगे, तो वो इस चुनाव में भी यह दम्भ भरते हैं कि हम छोटा मोदी बनेंगे। और यह जो खेल है, यह खेल कोई नया नहीं है, इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे उन्हीं से ये सीख करके आए हैं। असली मसला ये है, कहते हैं कि जो कभी पांव में छाले नहीं देखे हैं उसको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आया है। एक बात बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, इस मुहावरे को हमने थोड़ा बदल दिया है, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद। देश की आजादी के लिए अगर लड़े होते, इनके पुरखों ने अगर कुर्बानी दी होती, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा होता, जेलों में रह करके अपनी जवानी गवाई होती, तब पता चलता ना कि ट्वीट करने से आजादी नहीं मिली थी, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज फैलाने से आजादी नहीं मिली थी। देश की कुर्बानी देने में सारे लोग शामिल थे, सबका खून इस कुर्बानी में शामिल है। असली मसला यह है कि वो सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो कल को लोग उनसे पूछेगा, लोग राह चलते पूछेंगे, तो उन्होंने नया सगुफा छोड़ दिया है, आप इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा। इस शनीर फातिमा साहिबा, हम आपको कह रहे हैं, आप बिल्कुल इसको दिल पे मत लीजिए, अरे आपके बच्चे भी कभी आपसे नाराज हो जाते होंगे। तो असली मसला इसमें कुछ और है, सीधे सीधे भाजपा का वोट नहीं मांग सकते हैं तो उनका ईमान थोड़ा डोल गया है, थोड़ा हिल गया है, तो उन्होंने ये सगुफा छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वोट की चोरी ना हो, आप जिसको वोट दिए हैं, जिस पार्टी को वोट दिए हैं, उसकी ही सरकार बने, इसके लिए यह जरूरी है कि मैजिक नंबर से ज्यादा हमारे पास नंबर हो। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है, मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है, तो उनका क्या कहना है? बीजेपी को कौन हरा सकता है? नहीं, सब लोग अपने मन में बताइए। तो अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो आपके पास भाजपा है, फिर इधर उधर क्यों वोट बर्बाद कीजिएगा, सीधे भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा की सरकार पलटनी है, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है, क्या है उसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम है। सरकार की यह जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर हमारे टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज वजीर आजम के लिए खरीदा जा सकता है, तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना पड़ेगा, अस्पताल भी बनाना पड़ेगा, स्कूल भी बनाना पड़ेगा।
इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश आपके तरफ टकटकी लगाए उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और आप इस उम्मीद पे पानी नहीं फेरने देंगे, हमारा ऐसा मानना है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि यह लड़ाई दो दल के बीच की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई दो विचार के बीच की लड़ाई है। और अगर आप मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं, बोलिए मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं कि नहीं है, हाथ उठा करके बताइए। इस देश को बचाने वाले लोग हैं कि नहीं है? इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।